Hello and welcome back everyone. Friends, today's video is going to be very interesting और energetic, क्योंकि guys आज मैं आप लोग को introduce करवाने वाला हूँ एक migratory bird जो कि मेरा village में पाया जाता है, किसी और जगह में नहीं। Guys, आपको ये screen में देख रहा होगा ये चिड़िया का नाम है अमूर फेलकॉन। ये जो है बेसिकली नॉर्दर्न चाइना और साइबेरिया जैसा कंट्री का ब्रीड है, वहाँ में पाया जाता है जनरली, राइट। लेकिन विंटर होने पर ये जो है इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में माइग्रेट करता है, एक दो नंबर में नहीं, लार्ज नंबर में, राइट। माइग्रेटरी बर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, लार्ज नंबर में ये जो है इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में माइग्रेट करता है। तो ये चीज़ में क्या खास बात है, राइट, आप जो है ऐसे समझ रहा होगा। लेकिन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो है स्पेसिफिकली इंडिया में भी अरुणाचल और नागालैंड में ही माइग्रेट करता है, और अरुणाचल में भी लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में और मेरा नेटिव विलेज न्यौसा विलेज में ये देखने को मिलता है, और कहीं भी नहीं, राइट। तो फ्रेंड्स, जनरली हम लोग बस्ती वाला लोग जो इसको पूरा मार के इसका मीट को बड़े चाव से खा लेता था, राइट। हम लोग जो इसको बचपन से देख के आ रहे हैं, शाम की तरफ में इतना लार्ज नंबर में इसे उड़ के आता है, और हम लोग जो बचपन में उसको बचपन से देख के आ रहे हैं, और हम लोग भी इसको मारने का कोशिश करता था, राइट। लेकिन ये चीज़ को जो है नहीं मानना चाहिए था, राइट। ये चीज़ को जो हम लोग को प्रिजर्व करना चाहिए था, सिंस ये जो है ऐसा जो है माइग्रेटरी बर्ड है, ये जो है क्योंकि हम लोग का यहाँ में नॉर्मली नहीं पाया जाता है, तो इस चीज़ को हम लोग को प्रिजर्व करना चाहिए था। और इसी चीज़ के इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज़ किया गया है हमारा लोकल गवर्नमेंट नौसा का, खास करके हमारा GPC सर ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, और लास्ट ईयर से इसी चीज़ के बारे में उसने रिसर्च किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हायर लेवल में इसको जो है इन्फॉर्म किया, जिससे जो है दिस ईयर 2022 में इसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ इनिशिएटिव को, कुछ स्टेप को, मेजर को क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है, राइट। तो बेसिकली दिस ईयर हम लोग का बस्ती में जो है इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट गार्ड के लिए हमारा यहाँ में जो है गेट बनाया गया है, और वॉच टावर बनाया गया है, जिससे हम लोग जो है ये अमूर फेलकॉन को देख सकेगा, राइट। बढ़िया से हम लोग जो इसको इसका ब्यूटी को हम लोग जो है एक्सपीरियंस कर सकेगा, एंजॉय कर सकेगा, निहार सकेगा इन हिंदी, राइट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको जो है दिखाऊंगा कि वॉच टावर कैसे बनाया गया है, ठीक है, और फ्लैशबैक के जरिए मैं आपको जो है दिखाऊंगा वो गेट से लेके वॉच टावर तक का रूट भी, राइट। फिलहाल मैं जो है स्वयं वॉच टावर में हूँ और वहाँ में शूट कर रहे हैं, राइट। तो चलिए मैं आपको जो है फ्लैशबैक के थ्रू आपको दिखाऊंगा ये पूरा गेट से लेके वॉच टावर तक का डिस्टेंस को, राइट। हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ में हमारा एंट्री गेट शुरू है। फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ में। तो फ्रेंड्स, यहाँ में जो हम लोग का न्यौसा का चर्च है, ये तो बहुत बड़ा चर्च है, देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल सा चर्च है यहाँ।
जैसे कि मैंने आपको पहले से ही कह चुके हैं, अमूर फलकन जो है यहाँ में स्पेशली हमारा बस्ती में न्यौसा विलेज में ही आपको देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ में जो ये टावर ठीक है बनाया गया है बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। मैं आपको जो है इसके ऊपर से व्यू दिखा देता हूँ ठीक है, ताकि आपको जो इसका इम्पोर्टेंस पता चल जाए। बेसिकली आपको जो अभी कुछ अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, अच्छा से इन द सेंस ना कोई खास नहीं दिख रहा होगा राइट, लेकिन इसका बिल्ड क्वालिटी भी गाइस थोड़ा मजबूती दिख रहा है, इसे नहीं कि इसे टाइम पास के लिए बना दिया राइट। तो चलिए हम आपको जो है कॉर्नर कॉर्नर से दिखा देते हैं, देख सकते हैं गाइस एकदम ब्यूटीफुल एकदम बढ़िया तरीका से तरीके से इसको बिल्ड किया गया है राइट। तो देखिए गाइस और यहाँ में नज़ारा देखिए गाइस, ये जो है पहाड़ का पिक पॉइंट पर यानी ऊपर पे ठीक है बनाया गया है, ताकि जो भी अमूर फलकन होगा उसको जो है हम लोग आसानी से देख सकते हैं ठीक है, टूरिस्ट भी विजिट कर सकते हैं यहाँ में। देख सकते हैं गाइस ब्यूटीफुल सीनरी है यहाँ में। तो ये जो है हमारा बस्ती में ही गॉड गिफ्टेड है राइट। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ में इसका अंदर से जो नज़ारा है एकदम बढ़िया है, यहाँ से हम लोग का रोड आता है ठीक है, थोड़ा नीचे में है ऐसे करके, तो रेस्ट एकदम शानदार है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस, ये वीडियो का मोटिव था कि जो इनिशिएटिव लिया गया है प्रिजर्व दिस अमूर फलकन, इसी चीज़ को जो है आप लोगों के साथ शेयर करना था राइट, क्योंकि जो डीपीसी सर और डीएफओ सर ने जो इनिशिएटिव जो उठाया गया है ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है टू प्रिजर्व सच एन अमेजिंग बर्ड्स राइट। तो गाइस फ्रेंड्स आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना राइट, ये चीज़ हर यूट्यूबर कहते हैं, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और क्या मालूम फ्यूचर में जो है आपको इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ इससे भी मोटिवेटिंग चीज़ आप लोग को देखने को मिले राइट मेरे चैनल के ज़रिए। तो फ्रेंड्स चैनल के साथ बने रहिए, प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।